हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे हो। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपके वीवो 16-10 ऐसे कुछ मॉडल्स आते हैं, उसमें अगर कैमरा एरर दिखा रहा है तो आप कैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मैं जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर से पर्टिकुलर कोई कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो काम पे आते हैं। वैसे भी ओपन कैमरा काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में जो कैमरा है वो तो हर कोई चाहता है यूज़ करना। तो आइए, मैं कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके काम के। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए फिलहाल बिना वक्त आए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बता दूँ भाई, आप सभी देख रहे हैं फुल टू एपी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके दोस्त आपके होस्ट। Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. तो गाइस, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर कैमरा तो मेरा रन कर रहा है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर जैसे कि एग्री कर देते हैं एंड गाइस, यहाँ मेरा कैमरा तो चल रहा है, लेकिन अगर आपके एरर आ रहा है तो आप उस तौर पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है सेटिंग्स पर आइए। मैं कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल कीजिए। हालाँकि आपके इस्तेमाल करने से ठीक हो सकते हैं, चांस ज़्यादा रहते। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होता है मोर सेटिंग्स पर। गाइस ध्यान रहे, मोर सेटिंग्स पर जाइए एंड यहाँ पे एप्लीकेशन रहते इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पे जाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान रहे, ऑल पे ही आपको जाना है एंड गाइस यहाँ पे ढूंढना है आपको कैमरा। गाइस जैसे कि ये रहा कैमरा, अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है गाइस, यहाँ पे ध्यान रहे आपको करना यह होता है परमिशन के अंदर जाना है। अगर कोई भी परमिशन यहाँ पर बंद है आपका तो उसको उसमें ये एरर दिखाएंगे, तो आपको इसको सारे के सारे ऑन कर देना है एंड नहीं है तो यहाँ पर से आप मतलब आराम से इसको ऑन कर दीजिए। एंड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स और भी रहते हैं, जैसे कि स्टोरेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये जो क्लियर डेटा रहते हैं यहाँ पे क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही यहाँ पर इसको क्लियर कर देते तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा पहले जैसे रहते वैसे ही हो जाते हैं फ़ोन के, तो आपके कैमरा पहले जैसे रन करने की यहाँ पर चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर क्लियर डिफ़ॉल्ट्स आप कर सकते हैं, तो आराम से यहाँ पर से आपके और एक सेटिंग्स निकल के आते हैं। तो परमिशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स में और भी कुछ चीज़ें दिखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर मैं आपको बताऊँ रन एट स्टार्ट यहाँ पर देख कर आप जान सकते हैं कि किस तरीके से इसको जो रन करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एंड काम के हैं। तो सबसे पहले आपको वही सेटिंग्स पर आना है एंड गाइस यहाँ पे आपको जाना होगा। सेटिंग्स पर अंदर आने के बाद जैसे कि मैं सेटिंग्स पर हूँ, यहाँ पे आपको जाना होता है गाइस मोर सेटिंग्स पर फिर से एंड नीचे की तरफ आना होता है गाइस। यहाँ पर आपको रहते बैकअप एंड रीसेट एंड यहाँ पर आपको रिस्टोर ऑल सेटिंग्स यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो गाइस यहाँ पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में जितने भी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट गलती से हो जाते हैं मिस्टेक, तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं गाइस। तो आप अपने जो है फ़ोन में कैमरे की को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर से उसको रिसेट कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पर से फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं एंड दोबारा वो डेटा आप नहीं पा सकते। अगर आपके फ़ोन में कोई भी पिक्चर है उसको मेमोरी में कॉपी करके यहाँ पर से एयर्स कर दीजिए। तो गाइस इस्तेमाल यहाँ पर से आप कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे, क्योंकि ये काम की चीज़ मैंने आपको बताया। तो अगर आपको काम पर आते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं और भी क्या क्या टिप्स है। और गाइज अगर आपके किसी भी तरह के प्रॉब्लम है अपने फ़ोन को लेकर तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उस तौर पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना देंगे। और वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो है बेल आइकन उसको ऑल पे सेट कर लीजिए। तो गाइज आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक आप सारे लोग एंड आपके फैमिली सब लोग सलामत रहे एंड खुश रहें।